हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम लोग जो है पेज नंबर आप देखेंगे 138 पर आपका ये जो चैप्टर आपका समाप्त हो रहा है उसी का कम्युलेटिव रिवीजन है। ठीक है, पेज नंबर 138 पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन। देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर ए लिखा हुआ बेटा, राइट हैंड कार राइट द नेम कार इज फिगर इज फिगर ये जो प्रत्येक फिगर बना हुआ है बच्चों, ठीक है, यहाँ आपके बुक में एक फिगर बना हुआ है, फिगर का आपको नेम लिखना है। ठीक है, कि किस टाइप का फिगर है। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें किस तरीके का फिगर आपको दिया गया है। देखिए फिगर आपका ठीक है, फिगर आपका इस तरीके का बना हुआ है और इसका नेम लिखने के लिए यहाँ पर जो है आपका इस तरीके से बॉक्स भी बना हुआ है। ठीक है, तो आप जानते हैं तो ये जो एंट्री पॉइंट है, ठीक है, और एक लाइन भी जैसा है सेम टाइम है और एक साइड में एरो बना हुआ है, तो ये जो सिंबल होता है ये आपका रे होता है, रे किरण। जैसे आप टॉर्च जलाते हैं तो उसका जो जैसे यहाँ पर टॉर्च वहाँ करेंगे जलाएंगे तो उसमें से जो लाइट रे होती है किरण होती है प्रकाश की किरण वो एकदम सीधी रेखा में जाती है, इसके आगे ही जाएगी, उसके टॉर्च पीछे अपोजिट साइड की ओर नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये जो किरण होता है ये रे का होता है, यहाँ पर आपको दिखेंगे उसके बाद दूसरा फिगर आपके लिए दूसरा फिगर आपका इस तरीके से है। आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये दोनों साइड में आपका यहाँ पर एरो लगा हुआ है, तो ये जो सिंबल होता है आपका ये ये दोनों साइड का सिंबल होने का है एरो का, तो ये जो है लाइन का सिंबल है और केवल एक साइड में आपका एरो लगा होगा तो ये रे का सिंबल होता है। इसको आप जानते रहेंगे, यहाँ पर दोनों साइड में एरो लगा हुआ है तो ये लाइन का सिंबल है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर टू लाइन है। ठीक है, एक ए लाइन है आपका, एक ए लाइन है। ठीक है, और दोनों लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर रही है, कट कर रही है। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को इस तरीके से कट करती है तो इसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इसका नेम हम क्या कहेंगे यहाँ पर, इंटरसेक्टिंग लाइन। इस तरीके से आपको यहाँ पर दिया हुआ है इसे ठीक है, इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अब अगला फिगर देखने का थर्ड, अभी आपको इसके विषय में बताया गया है इस तरीके से जब दोनों साइड में आपको एरो दिखेगा इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन। क्या बोलते हैं इसको, लाइन, एल आई एन ई, लाइन। लाइन में जो होता है
अगला फिगर है आपका नोट में, इस तरीके से फिगर आपका लगा हुआ है और इसका नेम आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ आप देखेंगे जो दोनों लाइन है क्या, ठीक है, ये जो है इसकी बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, एक डिस्टेंस आप कहीं भी इसको मीटर करेंगे तो इक्वल होता है, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम जब मीटर इक्वल होगा अर्थात इसको इस तरीके से समझेंगे कि ये दोनों लाइन है, अभी लाइन का और अगला फिगर देखिए बच्चों,
नेक्स्ट फिगर आपका इस तरीके से चाहिए, और ये भाई सिंबल बना है इस तरीके से। सिंबल आपको कभी दिखेगा तो ये 90 डिग्री का सिंबल होता है, ठीक है, 90 डिग्री का ये सिंबल होता है। तो जब वो लाइन इस प्रकार की इंटरप्रेट करते हैं कि उसमें जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री का, ए भी 90 डिग्री होगा, ए भी आपका 90 डिग्री होगा, ए भी 90 डिग्री होगा और इधर भी 90 डिग्री होगा। ये सिंपल हमने ऐसे बनाया है, जब आप सब में बना सकते हैं तो ऐसे जो लाइन होते हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर लाइन। इसके लिए आप देखिए यहाँ से ये आपका मेन फिगर है वो देखिए, ठीक, इसको लिखेंगे इसको बोला जाएगा परपेंडिकुलर लाइन या लंबवत रेखाएं, हिंदी में क्या कहेंगे, लंबवत रेखाएं, ठीक है। अभी देखिए इस तरीके से भी लाइन कट कर रही थी, इस तरीके से कट कर रही थी, तो इसमें जो है कोई निश्चित एंगल नहीं बन रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है पर्टिकुलर एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन या लंबवत रेखा है, और इस तरीके से अगर इंटरसेक्ट करेगा तो इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। अभी आप इसको लिखे हैं, ये क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी है बेटा, आंसर इन एस आर ग्रुप, क्वेश्चन नंबर बी आंसर इन एस आर नो, एस आर ग्रुप में आपको आंसर देना है, ठीक है, या नो में आंसर दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन का मतलब है आप संदेश लेके बताए, यहाँ पर पहला संदेश कैन टू रे, कैन टू रे, कैन टू रे इंटरसेक्ट आई एम टी आर एस देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कैन टू रे क्या दो किरणें इंटरसेक्ट एक दूसरे को काट सकती है, प्रतिच्छेदित कर सकती है, ठीक है, तो आप लिखेंगे एस, इसका आंसर क्या होगा, एस वाई टी, ठीक है, क्योंकि वो आपके देखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से भी है और ये जो है इस तरीके से जा रही है, तो ये जो है कट कर सकती है दूसरे को, ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे इसका आंसर। अगला नेम देखिए बेटा, टू में है कैन टू लाइन, कैन टू लाइन कैन टू लाइन बी बोथ पैरेलल, बी बोथ पैरेलल पी ए आर ए डबल एस पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग, एंड
intersecting I and R at ठीक है, इस तरीके से।
बात नहीं है, क्लास का है, बात मत समझिए, मैंने क्लास का है ना। क्वेश्चन नंबर तीन देखिए बेटा, राइट टू आर हाउस, राइट टू आर हाउस, प्रत्येक स्टेटमेंट के लिए स्टेटमेंट का मतलब आपका होता है प्रथम, ठीक है, वाक जो वाक लिखा गया है वो वाक जो है आपका ट्रू है या फॉल्स है उसके लिए आपको लिखना है। तो यहाँ पहला देखेंगे आप, इस कार्नर तीसरा स्टेटमेंट देखें बच्चों, थर्ड में आपका लिखा हुआ है यहाँ पर इस तरीके से आपका ये बना हुआ है एंगल, और इसके लिए लिखा है
ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर सी ये कंप्लीट हुआ बेटा, ठीक है। इसके बाद इस कम्युनिटी रिवीजन में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बाकी रह जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय बेटा, मिलेंगे।